हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। सो गाइस, आज से लगभग 1 साल पहले हमें एम एक्स प्लेयर की सबसे बेस्ट वेब सीरीज देखने को मिली थी, और वो वेब सीरीज थी आश्रम, जिसके लीड रोल में हमें बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल देखने को मिले थे। और आश्रम के अब तक 2 चैप्टर्स हमें देखने को मिल चुके हैं, और दोनों चैप्टर एक से बढ़कर एक हिट रहे थे। लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था आश्रम के दोनों ही चैप्टर्स को, और ऑडियंस ने वेब सीरीज को पसंद करने के साथ साथ बॉबी देओल की एक्टिंग को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था, काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया था। और इसी वेब सीरीज से बॉबी देओल का डूबता हुआ करियर वापस रिवाइव हो चुका है। और जिन लोगों ने इसका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 देख चुका, उनका तो पता ही होगा कि चैप्टर 2 में इसकी स्टोरी वैसे कंप्लीट नहीं हुई थी। चैप्टर 2 का एंडिंग एकदम सस्पेंस के साथ हुआ था। काफ़ी सारे सवाल पेश उठ गए थे चैप्टर 2 में, जिसका खुलासा हमें आशा के चैप्टर 3 में होते हुए देखने को मिलने वाला है, जिसकी शूटिंग तो ऑलरेडी सेप्टेम्बर के महीने चालू हो चुकी है। तो इस वीडियो में मैं आश्रम के चैप्टर 3 से रिलेटेड ही लेटेस्ट अपडेट्स लाया हूँ कि सर करेंट वर्क अपडेट, क्या शूटिंग कंप्लीट हुई है कि नहीं, अगर नहीं तो कब तक कंप्लीट हो जाएगी, और आखिर कब तक हम देख सकते हैं आश्रम का चैप्टर 3 से। इस वीडियो में बता रहे, वीडियो को लास्ट जरूर देखिएगा, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, और देखते रहना, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, नोटिफिकेशन मिलता रहे। बताइए कि गुत्थी सुलझ रही है या और उलझ रही है? तो गाइस, आश्रम तो एक क्राइम ड्रामा वेब सीरीज है, जिसका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में हमें एक आश्रम के काले सच के बारे में बताया जाता है, कि किस तरह से लोगों की श्रद्धा और भक्ति का मजाक उड़ा के उनको ठगा जाता है। और जिस बाबा को लोग इतना मानते हैं, बाबा निराला, वो खुद एक बहुत बड़ा फ्रॉड रहता है, बहुत बड़ा स्कैमर रहता है। तो ये सब तो काले सच हमें चैप्टर 1 चैप्टर 2 में देखने को मिले थे, लेकिन किस तरह से वो बाबा एक्सपोज होता है जनता के सामने, ये सब हमें आगे चैप्टर से देखने को मिलने वाला है। तो अब मैं इसके चैप्टर 3 के अपडेट की बात करूँ तो जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था, चैप्टर 3 की शूटिंग चालू हो चुकी है सेप्टेम्बर के महीने से, लेकिन अभी करंट अपडेट ये सामने आ रही है कि आश्रम का चैप्टर 3 की शूटिंग पूरा से कम्प्लीट हो चुकी है। जी हाँ, शूटिंग पूरा से कम्प्लीट है, और यह बात इस वेब सीरीज के एक एक्टर अध्यान सुमन ने कन्फर्म किया, जिन्होंने टिंका सिंह का रोल किया था इस वेब सीरीज में। उन्होंने कुछ फोटो अपलोड की, फोटो आप देख सकते हैं स्क्रीन में। सो गाइस, यहाँ आप देख सकते हैं टिंका सिंह के साथ साथ और भी काफ़ी सारे एक्टर हमें देखने को मिल रहे हैं आश्रम के चैप्टर 3 के, और साथ ही साथ इस सब के लीड एक्टर बॉबी देओल भी हमें देखने को मिल रहे हैं। और साथ ही साथ अध्यान ने कैप्शन में भी लिखा हुआ है, इट्स अ रैप फॉर आश्रम 2, और साथ ही साथ नीचे भी लिखा हुआ है, कांट वेट फॉर यू ऑल टू सी द न्यू सीजन। और साथ ही साथ इस वेब सीरीज का प्रोडक्शन हाउस प्रकाश झा प्रोडक्शन ने भी एक फोटो अपलोड किया, फोटो आप देख सकते हैं स्क्रीन में। तो गाइस, इस फोटो में पूरी क्रू हमें देखने को मिल रहा है आश्रम की, और साथ ही साथ इन्होंने भी कैप्शन में लिखा हुआ है कि हार्डियस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर रैपिंग ऑफ द टफेस्ट एंड मैग्निफिकेंट शूट, और साथ ही साथ नीचे भी लिखा हुआ है, कमिंग सून। सो गाइस, इसे तो पूरे से कंफर्म होता है कि शूटिंग पूरे से कंप्लीट हो चुकी है आश्रम के चैप्टर 3 की, और सीजन 2 भी बोल सकते हैं इसी को। और मैं बात करूँ उसका रिलीज का, कब तक देख सकते हैं आश्रम का चैप्टर 3 और सीजन 2। सो गाइस, अभी दिसंबर के महीने में से शूट कंप्लीट हुआ है, फिर होगा इसका पोस्ट प्रोडक्शन वर्क, जिसमें लगभग 2.5 से 3 महीने लगने वाले हैं। तो फिर इस सीरीज अब हमें नेक्स्ट ईयर यानी कि 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, 2022 के जनवरी से मार्च के बीच हमें देखने को मिल जाएगा आश्रम का चैप्टर 3 और सीजन 2 MX Player पे। तो यही था अपडेट MX Player की आपकी वेबसाइट आश्रम का, और इससे रिलेटेड कभी भी नई अपडेट आएगी मैं आप लोगों को जरूर कर दूँगा पर्टिकुलर वीडियो बना के। अपडेट नहीं तो हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा, अगर आप लोगों ने आश्रम के पहले 2 सीजन देखे, आप लोग पसंद है तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, और मुझे कमेंट करके बताएगा आप चैप्टर 3 और सीजन 2 लिए कितना एक्साइटेड हो। और ऐसी वेबसाइट मूवीज और टीशर्ट अपडेट्स पाने के लिए मैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं, नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय।